जी वो अरे जी बैठे, अब ना उठे कोई भी पैसों के लिए, अब बैठे अल्लाह आपको खूब अता करे, आप बात सुन ले, मेरे लिए सारा कुछ ही है। वो मैं गांव तकरीर की ना, वो था भी खत्म, वो जनाब वो ये इधर हमारे आगे किंगड़ा मोड़ सियालकोट से आगे इलाका है, वो बाबा जी उठ के खड़े हो गए, उन्होंने वो ना तुरे वाली पग बांधी हुई थी, मुझे गुस्से में कहते हैं मौलवी साहब साड़िया जमीना तो साढ़े को खो लिया ने, सानू मालको माली कर चढ़िया है, हूँ मैं तुम्हें उन्नी देर पिंडू बाहर नहीं जे जान देना जिन देर हूँ साबित ना करके जाओ कि असी माली। मैंने कहा बाबा जी मैंने कुरान पाक की 9 आयतें मुबारक पढ़ी हैं, शायद आपको मेरी बात समझ नहीं है, मैं आपको ये भी बता के जाऊँगा कि वो ज़मीन जिसका हम मालक होने का दावा किए बैठे हैं, अगर हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी ना किया तो फिर इसने हमारे साथ क्या करना है। तस्वीर में लिखा है कि हज़रत मूसा अला नबी जिन अलैहि सलाम का ज़माना मुबारक था, ज़मीन की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े, मैं आपका ज़्यादा इम्तहान नहीं लूँगा, मैं क्लोज करने लगा इसको, दो बंदे आपस में लड़ पड़े हजरत, एक मालिक एक ने झूठा दावा कर दिया, ये तो मेरी है, इसके दादे ने मेरे दादे से छीनी थी। आपको पता दलीलें झूठे के पास भी बड़ी होती है, इससे पहले कि कोई कत्लो गारत होती किसी की जान जाती, वो बड़े जो थे ना गाँव के, उन्होंने दोनों को बिठा के फैसला करना चाहा, फैसला नहीं हुआ, आखिर बात इस बात पे ख़त्म हुई कि भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम मौजूद है, चलो चल के उनसे फैसला करवा लेते हैं। सारे हाजिर खिदमत हुई, अर्ज की हुजूर जमीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा, ये कहता है मेरा, हमने फैसला किया नहीं हो सका, आप फैसला फरमा दें कि जमीन किसकी है। ठीक है जी, वो कुछ होते हैं ना जिनको पता नहीं होता कि बड़ों की मजलिस की आदाब क्या है, वहां भी कैसा था, वो हजरत मूसा अला नबी जन अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज करता है हजरत इस तरह करो कलियां कलियां करके ना दोए की गल सुनो, तुम आपे पता चल जाएगा सच्चा केड़ा झूठा, अल्लाह के नबी तो होते गैब की खबरों देने वाले हैं, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत इनको अकेला अकेला करके पूछने की, और मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है, वो लिखा है आप दे के चले गए सबको, खड़े हुए ज़मीन की निशानदही की गई, आपने ज़मीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया ये जैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुझे हुक्म देते हैं, अब तू बता के तू दोनों में से किसकी है। लिखा जमीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया, सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहें तैयारी करें ये तो दोनों ही मेरे हैं, हैं? असी सारी जिंदगी आई खेड़ते रहना मेरी ये मेरी 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 बाद पता एंड तक ही लगता जाके ये मेरी नहीं सी मैं ही है दावा, दुआ करो हजरत सानू जीवन ही पता लग जाए, क्योंकि जो मोया पता लग गया फिर इतों लंघ गया, दुआ करो सानू जीवन पता लग जाए क्या मेरी नहीं है बल्कि मैं है मैं है मनना बड़ा है नहीं मनता अंदर अलग ये नहीं मन क्योंकि बाज फकीर किसे ना मारिया जालम चोर अंदर जमीन ते जायदाद का जादू ते ऐसा जादू ये जिन्हें भी होया उन्हें सके भरा दे सीने ते बंदूक रख चढ़ी ये जादू ते ऐसा खतरनाक जादू ऐसरी ते पाका लोगों ने इन्हू हाथ ही नहीं लाया पाका लोगों ने नहीं हाथ लाया परे परे ही रहे कि बहुत डाढ़ा इम्तिहान वाला मुँह नमाम वालुकुम वाउलादुकुम फितन लेकिन हजरत जी लोगों सामने ना कही हो कि मेरी नहीं लेकिन हाथ जोड़ के तुहाडा भरा मिसबाही गुजारिश करता है इथों मन जो कि मेरी इथों मन भराओ जो करना ही है।